ये खास वीडियो फुटेज हम आपको बता रहे हैं जो हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। ये सारे वीडियो फुटेज हैं यूक्रेन बॉर्डर मॉल्डोवा के, जहां पे हिंदुस्तान से गए कई स्टूडेंट्स रहते हैं। बड़े गर्व की बात ये है, कर्नाटक स्टेट गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अब्दुल रहीम तखी जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, और उनके साथ ही गुलबर्गा के अब्दुल रहमान, केरला स्टेट के नजब, अतिया, कृष्णा, नौशाद, कश्मीर के हुजैफा शाख, ये सभी स्टूडेंट्स मॉल्डोवा में इंडियन एम्बेसी की मदद के जरिए रेस्क्यू टीम बनाए हैं, जिसके जरिए हिंदुस्तान के सभी स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और बॉर्डर क्रॉस करके मॉल्डोवा आ रहे हैं, उन्हें महफूज रखा जा रहा है और बहुत जल्द हिंदुस्तान के लिए रवाना किया जाएगा। गुलबर्गा टाइम्स की टीम सलाम करती है उन सभी हिंदुस्तान के नौजवानों के जज्बे को जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाते हैं, तभी तो हमारा हिंदुस्तान महान कहलाता है। So we now have our students that are going to return to India very soon. Are you guys excited? Yes. Jai Hind. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai. हमारे भाई लोग कश्मीर अब जा रहे हैं रोमानिया के बॉर्डर के लिए। मॉल्डोवा से 30 लोग थे ये, इनके साथ और 3 स्टूडेंट्स हैं। ये लोग हमारे पहले लोग हैं आफ्टर हरियाणवी स्टूडेंट्स जो अब मॉल्डोवा से बॉर्डर क्रॉस करेंगे। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और फिर भाई साहब आपको समझाएंगे ताकि कश्मीरी एसोसिएशन वालों को और कश्मीरी लोगों को तसल्ली हो। भाई 3 भाई, अब्दुल रहीम भाई, हुजैफ भाई जो वीडियो उठा रहे हैं, और एक और भाई क्या नाम था, हुजैफ भाई, उन्होंने हमारी बहुत मदद की मॉल्डोवा के बॉर्डर तक, बॉर्डर से यहाँ तक आने की, और हम पूरे 30 लोगों की पूरी अच्छी तरह मदद की और ट्रांसपोर्टेशन, रहना सहना, खाने पीने की पूरी मदद की। और अब हम निकलेंगे ये लोग रोमानिया के बॉर्डर के लिए, और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ये लोग इंशाल्लाह सेफ तरीके से जाएंगे। तो कश्मीरी एसोसिएशन वालों को और कश्मीरी लोगों को सलाम, और दुआ में ख्याल रखना ये लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, और जो भी बच्चे फंसे हैं यूक्रेन में उनके लिए। Hi guys, so this is my rescue team from Moldova. We are the students of USMF currently studying in Chisinau, which is the capital city of Moldova. We are at the Palanca border of Ukraine and Moldova, and we are currently waiting here for students from Mykolaiv and Black Sea. There are approximately 500 students that will be picking up from here, and we'll be staying here for 2 to 3 days to be picking up all the students that might be coming here. So this is my rescue team, and we need all your support that you can provide us. Please help us in getting all the students out of Ukraine and safely reaching the border. Thank you guys. So hello guys, हमारे पास हैं 3 students जो successfully border cross कर चुके हैं, safe हैं और Moldova पहुंच चुके हैं। इनको हमने अपने साथ लाया है और ये लोग आप लोगों की हेल्प करेंगे कि बॉर्डर कैसे क्रॉस करें। आप बताइए एक्सपीरियंस कैसा था आपका बॉर्डर पे? बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा स्मूथली काम हुआ। जैसे हमने ओडेसा से टैक्सी बुक करी थी, वो टैक्सी ने हमें कुचुरगन बॉर्डर पे छोड़ दिया। कुचुरगन बॉर्डर से हम अपना लगेज कैरी करके बाय फुट बड़े ईजिली 20 मिनट में बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। देन आफ्टर दैट मोल्डोवन पीपल आर वेरी नाइस टू अस, तो उन्होंने हमें खाना ऑफर किया, पानी ऑफर किया, होटल फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। अब आप लोगों की मदद हो रही है इनफ, आप क्या रिकमेंड करेंगे आपके दोस्तों को जो फिलहाल यूक्रेन में स्टक हैं? क्योंकि एक मिसकंसेप्शन फैल रहा है कि मोल्डोवा सेफ नहीं है। वील ऑब्वियसली रिकमेंड कमिंग थ्रू द मोल्डोवा, इट इज द सेफेस्ट वे फॉर ओडेसा स्टूडेंट्स। और आप लोग बस 3 लोग मिलकर ट्रैवल करें? हाँ, तीनों साथ हैं, सेफ है। और भाई से एक बार कॉन्टेक्ट किया था हमने, क्या नाम है, हाँ अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम से भाई से एक बार कॉन्टेक्ट किया था, वो 5 मिनट हमारे पास आ गए और सब कुछ ठीक है, रहने का सब कुछ फ्री और पूरी सब कुछ सुविधा मिल रही है हमें जो मिलनी थी भाई। हम सो गाइस, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड कम ब्रदर फ्रॉम इजराइल, हिज नेम इज तमीर, and he's currently helping us a lot in the way you cannot imagine. I just wanted to show you guys that how humanity can win over races, castes, countries, religion, everything, okay? This is my friend that has been helping me and my rescue team a lot in ways you cannot imagine. I just wanted you guys in India to be introduced by such people and help others as much as you can, as this guy from Israel is helping us a lot in the ways you cannot imagine, guys.
We love him and he loves us. So take care, guys. We must this is so important for us. This brother of mine is from Kashmir. Yes. He's not coming in any of the videos because he wants to keep a low profile. I just want to introduce you guys to these both people. These are my best friends here and they are helping a lot, guys. Support us. Tell your friends that it is safe to cross the Moldovan border. We are standing here 24/7 for 3 to 4 days. Take care, guys. Good work, bro. If any Kashmiri is on the way to Moldova, just contact me personally and or any of the number and I will get notified. Good work, everyone. Înțelegi cineva moldovenești, rusești? Da, am urmă. Hi, guys! Cannot get out for like another 5 minutes. More students will come, take down your names so that we know all of you have reached, okay? 61 students are in this bus as well, yes? Two of them are stuck there because of some passport issue. Okay, we will inquire about them. Until then, who is the leader of this bus? Tabish. Yeah, Tabish bro, hi. How was your journey, guys? It was stressful, but finally we are here. You guys can smile as much as you want, and you guys are safe now, okay? Thank you so much for arranging everything. No need to say anything. Just now, we will send 10 students so that it can be arranged and systemized order. You guys can go there. Hi, guys. So, as you can see behind me, the weather at the border. It's heavily snowing here. जबरदस्त ठंड है यहाँ पे अब. दुआ करिए हमारे लिए. हम लोग अब यहाँ पर कोई Airbnb या कुछ shelter ढूंढ रहे हैं जो Indian Embassy ने हमें कहा है border के नज़दीक ही रहने के लिए. तो या तो Airbnb देखेंगे nearby. अगर किसी को कुछ Polanka के नज़दीक Airbnb की information होगी या कुछ तो हमें बताएं. बढ़िया सी ठंड है. इंतज़ाम जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए शेल्टर होम्स में किया है. होपफुली वी विल ऑल्सो गेट अ स्टे देयर फॉर टुडे बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ शेल्टर सो प्रे फॉर अस. पीस आउट.